सो गाइस, ये होने वाला है आई एम अ टाइकून एंड अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 26। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में जैसा कि हमने देखा था कि जब शूफेई के पेरेंट्स को ये बात पता चली थी कि शूफेई ने उसके परिवार से यानी कि शिया फैमिली से 1 मिलियन पैसे लिए हैं, तो शूफेई के पापा ने उससे कहा था कि देखो, तुमने जितने भी पैसे उस शिया फैमिली से लिए हैं हम वो धीरे धीरे चुका देंगे और तुम्हें उस लड़की से बात करना बंद कर देना चाहिए। और शूफेई की माँ ने भी उसे एक कार्ड देते हुए कहा था कि देखो, इस कार्ड में कुछ पैसे हैं जो हमने तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखे थे और अब तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें इनका किस तरीके से यूज करना है। एंड शूफेई की माँ ने उससे ये भी कहा था कि उसे दूसरों के किसी मतलब सिचुएशंस का कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए और हर एक काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में शूफेई और उसके पेरेंट्स थे वहीं पर फर्स्ट और सेकंड ब्रदर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हेलो अंकल आंटी। एंड उसके बाद जो फर्स्ट ब्रदर होता है वो शूफेई से बोलता है कि थर्ड ब्रदर, आप कितने ज्यादा बुरे हो, अंकल आंटी यहाँ पर आए और आपने हमें बताया भी नहीं। और जो सेकंड ब्रदर होता है वो बोलता है आंटी मैं सेकंड ब्रदर हूँ, यांग मिंग शूफेई का रूममेट। उन दोनों को देखकर जो शूफेई की माँ होती है वो बोलती है तुम दोनों चुआन वू और यांग मिंग हो, है ना, शूफेई अक्सर तुम दोनों के बारे में बातें करता है। उसके बाद जो सेकंड ब्रदर होता है वो बोलता है हाँ आखिर मैं शूफेई का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखता हूँ। सो फर्स्ट ब्रदर उसे मारते हुए बोलते हैं आखिर कौन किसका ख्याल रखता है हाँ। एंड हम देखते हैं वहां पर फोर्थ ब्रदर भी आए हुए होते हैं, वो बोलते हैं कि हेलो अंकल आंटी। उसे देखकर शूफेई की माँ बोलती है कि तुम्हारा नाम कियांशुओ है ना। एंड उसके अगले मोमेंट में जो फोर्थ ब्रदर कियांशुओ होता है वो शूफेई के पास आकर उससे बोलता है कि हमें सीनियर सिस्टर ने सब कुछ बता दिया है, ओके, उन्होंने ही हमें कॉल करके बताया था कि हम यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर जो सारा मैटर है उसे समझ लें और अंकल आंटी को भी संभालें। और जो शूफेई होता है वो उन सब की बातें सुनकर सोचता है सीनियर सिस्टर अभी भी मेरी कितनी ज्यादा परवाह करती हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो हमेशा मेरी तरफ बुरी नजरों से देखती है जैसे मैं कचरा हूँ। इसी वजह से मेरा और सीनियर सिस्टर हम दोनों का एक साथ रहना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो शूफेई होता है वो फोर्थ ब्रदर से बोलता है पहले मैं बस थोड़े बहुत पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था लेकिन अब मैंने अपना एक गोल बना लिया है। उसकी बात सुनकर फोर्थ ब्रदर बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो हाँ। सो शूफेई बोलता है मैं एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ, एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जो शिया फैमिली के बिजनेस को भी कड़ी टक्कर दे। शूफेई की बात सुनकर फोर्थ ब्रदर होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है एंड उसके बाद बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और पीछे जो शूफेई की माँ होती है वो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रदर से अच्छे तरीके से बात कर रही होती है। एंड उसके बाद शूफेई बोलता है पता है मैंने क्या सोचा था, मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे ये कहोगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देखता हूँ। सो फोर्थ ब्रदर बोलता है हे, जो जवान लड़के होते हैं वो सच में काफी बड़े बड़े सपने देखते हैं, सो तुम्हारा इस तरीके का बड़ा सपना देखना जायज है। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं रात हो गई है एंड उसके बाद हम शूफेई को उस कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो लेटा हुआ है एंड वो सोच रहा होता है कि आज की दोपहर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बिताई जहाँ पर हम कैंपस के चारों ओर बस घूम रहे थे लेकिन वो दोनों अभी भी मुझे काफी ज्यादा चिंतित दिख रहे थे और जो सीनियर असिस्टेंट है उन्होंने भी मुझे काफी टाइम से कॉल बैक नहीं किया। एंड उसके बाद वो सोचता है और जो कियांशुओ है वो मुझे वो सारे के सारे आइटम्स दे गया है जो मुझे ऑक्शन के लिए चाहिए थे। एंड उसके बाद शूफेई सोचता है पहले मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मुझे मैंने दूसरी दुनिया में जो शर्त लगाई है उसे जीतना है, उसके बाद मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा सारा का सारा मेटल सेटल करने के लिए। एंड उसके बाद वो सोते हुए बोलता है आज की रात मुझे दूसरी दुनिया में जाना है वापस। एंड उसके बाद जो शूफेई होता है वो धीरे धीरे दूसरी दुनिया में अपनी आंखें खोलता है एंड वो जब उठकर देखता है तो उसके हाथ में उसका वो बैग होता है जो वो दूसरी दुनिया से लेकर आया हुआ होता है। एंड उसके बाद वो बाहर जाते हुए बोलता है कि ओल्ड फू, लेकिन जैसे ही जो बुढ़ा होता है वो शूफेई की आवाज सुनता है वो तुरंत ही दरवाजा खोलता है, जिस दरवाजा खोलने की वजह से शूफेई दरवाजे के पीछे चिपक जाता है मक्खी की तरह। और जो लाओफू होता है वो बोलता है कि सन इन लॉ अब वापस आ गए। सो उसके बाद जो शूफेई होता है वो लाओफू से बोलता है कि लेकिन तुमने तो मुझे वापस फिर से भेज ही दिया था। लेकिन हम लाओफू की हालत देखते हैं, बेचारा रो रहा था, वो बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पर वापस आ ही गए। एंड जो शूफेई होता है वो बोलता है कि क्यों तुम्हें डर लग रहा था कि मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। सो जो लाओफू होता है वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हैं आप तमाम जी, मैं आपका बहुत ही ज्यादा वफादार हूँ। सो जो शूफेई होता है वो बोलता है कि देखो अब तुम फिर से यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो लाओफू बोलता है कि दामाद जी आखिर मैं चिंता क्यों ना करूं क्योंकि मैंने आपको अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी दे दी है, लेकिन मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूं कि आप अपने साथ वो जादुई आर्टिफैक्ट लेकर आ गए हैं। सो वो थैला दिखाते हुए शूफेई बोलता है आप कहीं पागल मत हो जाना ओल्फू, ये सारी की सारी जादुई चीजें देख चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये जादुई आर्टिफैक्ट, एक ऐसा जादुई आर्टिफैक्ट जिससे आप किसी भी सीन को कैप्चर कर सकते हो यानी कि बहुत ज्यादा तेज तरीके से उसकी पेंटिंग टाइप की बना सकते हो। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर सीन बदलता है और हमें मार्केस का नॉर्थ मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंग हुआंग की को देखते हैं
जो बोलता है कि माय लॉर्ड, हमने हमारी हुआंगफू फैमिली की सारी दुकानें बेच दी हैं, लेकिन अभी भी हमें 3000 टील्स की जरूरत है, यानी कि 3000 टील्स अभी भी कम पड़ रहे हैं। सो हम देखते हैं वहां पर जो शेंगनेन होती है वो वहीं पर खड़ी हुई होती है, वो बोलती है, अभी भी मुझे थोड़े टाइम पहले याद आया कि जो कॉमर्स ऑफ वानियन चैम्बर का एक बच्चा है, उसे मेरा ड्रैगन हेलबर्ट चाहिए था, सो तुम उसे ये 3000 टील्स में बेच सकते हो। हुआंग की शेंगनेन की ये बात सुनकर हैरान होते बोलता है कि लेकिन वो तो आपका बहुत ही ज्यादा फेवरेट वेपन है। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए शेंगनेन बोलती है कि देखो, जो मैंने तुमसे कहा है वो जाओ और ये करो काम। सो हुआंग की पहले तो शेंगनेन की तरफ चुपचाप तरीके से देखता है, एंड उसके बाद वो झुकते हुए बोलता है कि ठीक है। एंड दूसरी तरफ हम शेंगनेन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि शू फेई, इस टाइम के बाद अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एंड दूसरी तरफ हमें राजा का महल दिखाया जाता है, जहां पर वही मुच्छर दौड़ता हुआ आ रहा होता है। वो बोलता है कि योर हाइनेस द प्रिंस ड्रैगन हेलबर्ड, एंड हम देखते हैं वो दौड़ते हुए अभी बोल रहा होता है कि जो ड्रैगन हेलबर्ड है वो वांगयान चैम्बर के कॉमर्स में लाया जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर जो प्रिंस जाओजैन होता है वो बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ उन्होंने उनकी सारी की सारी जमीन जायदाद सारी की सारी दुकानें बेच दी, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अपने सारे के सारे वेपन्स भी बेच दिए। सो जो मुच्छर होता है वो बोलता है हाँ, और आपको एक और बात पता है कि जो हुआंगफू फैमिली का दामाद है वो बहुत सारे दिनों से एक कमरे में छुपा हुआ है, और दूसरी तरफ जो हुआंगफू शेंगनेन है वो अपनी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी बेचती जा रही है ताकि वो उसके लिए पैसे लेकर आ पाए। वहीं पर कियान रेंजी होता है वो आ जाता है, वो बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस योर हाइनेस, एक बार जब नॉर्दर्न मार्क्यूस का महल कमजोर पड़ गया तो जो महाराज है उनका एक और हाथ कम हो जाएगा। सो उसकी ये बात सुनकर जो प्रिंस होता है वो बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और बोलता है कि हुआंगफू फैमिली का वो दामाद है ना, वो एक नंबर का कचरा है, घटिया है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर सीन बदलता है और हमें वांगयान चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा भाला रखा हुआ था, और दोस्तों यही है शेंगनेन का सबसे ज्यादा फेवरेट वेपन ड्रैगन हेलबर्ड। एंड वहीं पर एक और बंदा था जिसका नाम यंग मास्टर यून टियान ही है, वो बोलता है इसे देखकर ये कितनी दुख की बात है कि जो जेनवे इसकी मार्क्यूस का महल है वो इतना ज्यादा कमजोर होता जा रहा है कि उसे अपने वेपन्स भी बेचने पड़ रहे हैं। उसका यही एक नौकर खड़ा हुआ था वो भी बोलता है सच में जो लॉयल्टी का परिवार था वो इस तरीके से खत्म हो जा रहा है। एंड उसके बाद वो नौकर बोलता है यंग मास्टर क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सो तभी जो यंग मास्टर यूनटियान ही होता है वो बोलता है हम उनकी मदद आज तो कर देंगे, लेकिन क्या हम उनकी मदद जिंदगी भर कर पाएंगे। हाँ, और जो पूरा का पूरा राज्य है वो हुआंगफू फैमिली के खिलाफ साजिशें रच रहा है और उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड उसकी ये बात सुनकर जो उसका सर्वेंट होता है वो बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा यंग मास्टर, अगर हमने हुआंगफू फैमिली की मदद करने की कोशिश की, उन्हें थोड़े बहुत पैसे दिए, तो इससे हमारी वानियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात है जो हुआंगफू फैमिली को इतनी ज्यादा कमजोर बना रही है वो है उसका दामाद। नौकर की बात सुनकर यंग मास्टर टियानी बोलता है हाँ, तुम्हें ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने भी उस दामाद के बारे में सुना है जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया है एंड वो किसी काम का भी नहीं है। यंग मास्टर की बात सुनकर जो उसका नौकर होता है वो बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा यंग मास्टर, जो हुआंगफू फैमिली का दामाद है यानी कि मार्क्यूस का हस्बैंड, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, वो सिर्फ हुआंगफू फैमिली के लिए शर्मिंदगी ला रहा है। नौकर की बात सुनकर यूनटियानी बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड उसके बाद यूनटियानी एक खिड़की खोलते हुए बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये बंदा क्या क्या कर सकता है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन तुम लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हमारा हीरो शू फेई जो ऑक्शन रखने वाला है उसमें वो अपने सारे के सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट को 1 लाख टील में बेच पाएगा या फिर हुआंगफू फैमिली का वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा पोपट हो जाएगा। सो या कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपने सारे के सारे ओपिनियंस दे दो। एंड अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।